मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में दर्दनाक हादसा हुआ है। बैतूल ज़िले के मांडवी गांव में 8 साल का बच्चा तन्मय, 8 साल का जो बच्चा है वो खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया। फिलहाल बोरवेल में गिरने के बाद से करीब 14 घंटे का समय हो चुका है। बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला प्रशासन, NDRF, SDRF तमाम जो टीमें हैं वो रेस्क्यू में लगी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पहले टनल यहाँ पर बनाई जा रही है, इसके जरिए बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ एक और अच्छी बात यह है कि चूँकि जो बोरवेल है उसमें बच्चे को मॉनिटर करने के लिए CCTV कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे को की जा रही है जिससे कि उसे सकुशल निकाला जा सके। चूँकि करीब 5 बजे का यह घटनाक्रम है और 14 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए। ज़मीन ये काफ़ी पथरीली है इसलिए खुदाई में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन को या रेस्क्यू टीम को ये भी देखना है कि जो बोरवेल है उसकी मिट्टी ना धंसके, इसीलिए थोड़ी दूरी से ये पहले टनल बनाई है जिसके जरिए NDRF, SDRF और तमाम जो टीमें हैं वो कोशिश करेंगी कि बच्चे को सकुशल निकाला जा सके। वहीं परिजन जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उन्हें स्पॉट तक नहीं आने दिया जा रहा है, वो लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और यहाँ पर जिला प्रशासन और तमाम जो टीमें उनका ये कहना है कि वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो वो भी लगातार रात से पूरे घटनाक्रम पर मॉनिटरिंग रखे हुए हैं और सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए और सकुशल बच्चे को रेस्क्यू कर बाहर निकालने की कोशिश की जाए। और वही कोशिश यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है। जातक विचार, वास्तु विचार, माटी परीक्षा पाई संपर्क करंतु साधक नागानंद को 9439159052।